हे गाइस, दिस इज हर्षित हियर। आज से कुछ दिन पहले मुझे एक बंदे ने बोला था कि भाई तुम पीवीपी टेक्सचर पैक लाते हो, लेकिन क्रिस्टल पीवीपी के लिए कब लाओगे। आई वाज लाइक कि भाई बात तो सही है, मैंने अभी तक कितने सारे पीवीपी टेक्सचर पैक दे दिए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी क्रिस्टल पीवीपी के लिए उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो आज मैं आपको जो तीन चीजें देने वाला हूं ना, वो क्रिस्टल पीवीपी और नॉर्मल पीवीपी के लिए बहुत काम आने वाली है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको यहां पर एक टेक्सचर पैक देने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको तीन टेक्सचर पैक देने वाला हूं। बेसिकली ये तीनों चीज अलग अलग चीज के लिए होने वाले हैं, और भाई लिटरली बता रहा हूं, बहुत ऑसम टेक्सचर पैक है। मतलब एमसीपी के लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई, क्योंकि जावा में तो इस टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन एमसीपी में इस टाइप के नहीं मिलते जल्दी से। और हाँ, मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करनी थी। हमारी एक बार वेबसाइट सस्पेंड हुई थी ना, उसी टाइप की एक और वेबसाइट बन के आ रही है, जो कि एमसीपी कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, और वो कुछ ही दिन में आ जाएगी। तो क्या आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो, कमेंट करके बताना। और उसका नाम भी स्पंकी इंसान ही रहेगा, जो पुरानी वेबसाइट जैसा था। और आज का शाउट आउट जाता है इन तीन बंदों को। अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए, तो आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही हम लोग 2,20,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जाके, और वीडियो को भी लाइक देना, ताकि दूसरों तक पहुंचे वीडियो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। फर्स्ट टेक्सचर पैक कुछ ज्यादा ही फेमस टेक्सचर पैक है। इस टेक्सचर पैक का नाम है मार्लो। किसकी मार रहा है, नाम बता बस, तू बिल्लू अभी मारता उसे। अरे भाई, बिल्लू यूट्यूबर का नाम है मार्लो। इस बंदे के चक्कर में देखना, एक दिन बहुत गंदा पिटूंगा मैं। इस वाले टेक्सचर पैक में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ऑब्सीडियन मिलता है, और उसके ऊपर एंड क्रिस्टल ये घूम रहा ना भाई साहब, ये अलग ही दिख रहा है। वैसे मैंने कल इसका स्क्रीनशॉट भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। हाथ में जो टोटम ऑफ 9 दिख रहा है ना, उसके आइट साइड में ग्रीन कलर की बॉर्डर आ गई है, जो कि काफी मस्त दिख रहा है, और ये एक स्मॉल टोटम है। और भाई, अगर आप लोग इसकी बो देखोगे ना, तो जैसे जैसे चार्ज होते जाती है, वैसे वैसे इसके कलर बढ़ते जाते हैं, कि मतलब कितनी चार्ज है। और भाई, इसकी इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री पूरी ट्रांसपेरेंट है भाई साहब। अबे इस पंकी, इन्वेंट्री तेरे दिमाग की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर। ये जॉम्बी ने बॉनफिक्स फॉनफिक्स सूंघ लिया क्या भाई? ऐसा कैसे करता जॉम्बी, मैंने तो आज तक नहीं देखा। तुम लोग कमेंट करके बताना, क्या जॉम्बी इस टाइप से करता, डट उठा रहा है भाई वो बंदा। एनीवेज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंचेंटेड आर्मर में ग्लिंट इफेक्ट है, और भाई तलवार देखो भाई, तलवार में का ग्लिंट इफेक्ट है, इसी की बात कर रहा था मैं, इसलिए मेरे को ये वाला टेक्सचर पैक ज्यादा पसंद है। इंचेंटेड वाली जितनी भी चीज रहेंगी, वो सभी ऐसी थंडर टाइप की दिखेंगी भाई, ये क्या तगड़ी दिख रही है। और यहाँ पर देखो भाई, ये गोल्डन एप्पल देखो, ये गोल्डन एप्पल तो सबसे खतरनाक लग रहा है। और देखो यहाँ पर आप लोग को स्प्लैश पोशन में भी ये सब चीज देखने को मिलेगी, और पूरी पोशन में वर्क करता है। और यहाँ पर आपको बुक भी इंचेंटेड वाली ग्लिंट की दिखेगी। तो एक बात समझ नहीं आ रही है, एंडर पल को तो राक्षस जैसा क्यों बना दिया, आइट साइड में सींग क्यों निकाल दिए। खैर एनीवेज, ये भी एकदम बढ़िया दिख रहा है। और आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो आपको साइड में जहां इफेक्ट दिखाता ना, वहां इफेक्ट अलग दिख रहे हैं। बाकी दूसरे आइटम यहां पर चेंज नहीं हुए, जो जो पीवीपी में काम नहीं आते उन्हें ऑब्वियसली चेंज करके कोई फायदा नहीं है। यहां पर ये देखो फेथफुल वाला लगा के रखे हैं, और आपको पार्टिकल में कुछ भी नहीं दिखने वाला ये वाले टेक्सचर पैक में पार्टिकल के नाम पे। रही बात ओर्स की, तो उस पर आपको आउटलाइन मिल जाएगी, और बाकी तो यहां पर कुछ दिखाने लायक है नहीं। बस यहां पर मैं ये दिखा देता हूं कि आप लोग को यहां पर इंचेंट में कैसा दिखता है। भाई मेरे को ना सबसे पसंद इसका इंचेंट वाली चीज ही आ रही है, और वो इंचेंट हो गई तो क्या दिख रही है भाई। आप लोग ये वाले टेक्सचर पैक को कितनी रेटिंग देना चाहोगे, कमेंट करके बताना, और रेटिंग में लिख देना हैशटैग मार्लो टेक्सचर पैक, और उसके बाद रेटिंग देना, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या रेट कर रहे हो। अब नाउ आई एम डेफिनेटली श्योर, अब आपको एक टेक्सचर पैक चाहिए होगा जिसपे एंड क्रिस्टल घूमता हुआ दिखे, तो ये टेक्सचर पैक उसी के लिए ब्रो। असंभव, असंभव। वाले टेक्सचर पैक में आपको छोटा सा एक एंड क्रिस्टल मिल जाता है, जो कि आपके हाथ में ही घूम रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया दिखता है भाई। एक तो एक क्यूट दिख रहा है, और दूसरी बात भाई खतरनाक भी दिख रहा है भाई साहब। इसका तो मिजाज ही बदल गया, इसका टेक्सचर ही पूरा चेंज हो गया, और साथ में भाई ये लैग भी नहीं करेगा। आप लोग सोच रहे हो कि लैग करेगा, तो नहीं, बिल्कुल भी लैग नहीं करने वाला एमसीपी में। अब अगर आप लोग को बाय चांस ये दोनों चीज नहीं लगानी, और आपको चाहिए एकदम छोटा वाला टोटम, और अकेले टोटम ही चाहिए आपको, ये अलग अलग चीज नहीं चाहिए, तो हूं ना उसके लिए भी। ये रहा हमारा स्मॉल टोटम वाला टेक्सचर पैक, और ये वाला टेक्सचर पैक पता नहीं भाई बहुत ज्यादा पसंद आता है लोगों को, और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इस पर आपको टोटम एकदम छोटे दिखते हैं, और भाई ये स्क्रीन को ज्यादा नहीं घेरते हैं भाई। अब तुम्हारा 21 सेंटीमीटर का स्क्रीन है, 21 सेंटीमीटर को ज्यादा नहीं है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार बिल्लू। खैर एनीवेज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टोटम कितना ज्यादा छोटा है। ए मुर्गी, चल सब्सक्राइब कर जाके। अब वक्त आया इन सबको एक साथ टेस्ट करने का। भाई क्या मजा के बंदा आते से ही पीछे लग गया, और मैं मार भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं फोन में खेल रहा हूँ। और बोल नू, बहुत मार रहा था ना मेरे को, लेकिन उसकी एक भी हेल्थ नहीं जा रही भाई। भागो 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 भागो, अभी जितना भाग सकते हो भागो। अब तो तू गया बेटे, तेरी नौ हेल्थ है ना, अभी तेको बताता हूँ मैं कौन हूँ। ओ भाई लेफ्ट कर दिया इसने तो। So well, इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे को ये भी बताना कि तीनों में से कौन सा टेक्सचर पैक ज्यादा अच्छा लगा, मतलब आप स्मॉल टोटम यूज करोगे या फिर वही मार्लो का टेक्सचर पैक। एंड ऑल्सो, अगर आप लोग नए हो और आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है, और लिखना स्पंकी ऑफिशियल, वहां पर आप लोग को मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट के अंदर जाना, वहां पर आपको एक सर्च का बटन दिखेगा, वहां पर ये वाले वीडियो का टाइटल डाल देना, बस आपके सामने पोस्ट आ जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड की एक बटन पर ही तो क्लिक करना,
करना है बस। सो विद डैट मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोग से अनादर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।